देखिए सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सभी से अपील भी करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि जो कोरोना को लेकर के सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे और पॉल्यूशन को लेकर के केयरफुल रहेंगे। जहाँ तक कोरोना की बात है, खुद का भी बचाव करेंगे और दूसरों के बचाव के लिए जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो भी ज़रूर से ज़रूर लेंगे। हाँ, दीपावली की पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को, सभी आमजन को बधाइयाँ। और हम पुनः एक बार सबसे अपील करेंगे कि त्यौहार में अति उत्साहित न हो। जो कोविड अभी पास ऑन नहीं हुआ है, अभी उसका खतरा उतना ही बरकरार है जितना आज से 2 महीना पहले था। तो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के बाहर निकलें और कोशिश करें कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ये भी बताना चाहूँगा, क्षेत्र में और अपना मार्केट में भीड़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और त्यौहार का सीज़न है और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, परंतु हमें ध्यान देना पड़ेगा कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है। और सभी लोग जब मार्केट में निकलते हैं मास्क के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और इन्हीं चीज़ों के साथ, क्योंकि एक त्यौहार मनाते टाइम आपका और आपके परिवार का बचाव ही सबसे बड़ा त्यौहार की सौगात है। तो इसी बात के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली की, और सभी से अपील भी है कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पर्व का जो है अपना पर्व मनाइए और ये पर्व जो है सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ। और यही अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जितना हो सके प्रयोग करें। जनता को सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस परिवार की तरफ से इस त्यौहार की बधाई देता हूं, और जनता सावधानी बरते, जो हमारे DIG महोदय साहब ने जो सावधानियां बताई हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनकी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें और बस सावधानी से अपना त्यौहार मनाएं। यही शुभकामना हम CPU परिवार पूरी पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए ये देते हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, तमाम लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकला अमृत भगवान धन्वंतरि ने पूरे संसार को बांटा था, वो अमृत वर्षा हमेशा हमारे पूरे संसार पर रहे। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की भी आराधना करने से माँ लक्ष्मी और धन धान्य से परिपूर्ण लोगों को करती है। तो ऐसी माँ लक्ष्मी जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे पूरे प्रदेश को और देश को खुशहाल बनाए। इस समय प्रकाशोत्सव है, दीपावली है। दीपावली में हमको चाहिए कि इसमें प्रकाश करें, रोशनी करें, लेकिन बम पटाखे, बारूद, आतिशबाजी, इससे हमको परहेज करना चाहिए। कोरोना काल है और कोरोना काल में जिस प्रकार से अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो श्वास की जिनको बीमारी है, फेफड़ों की जिनको बीमारी है, उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस त्यौहार को बहुत सादगी से मनाना चाहिए और आतिशबाजी से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। दर्शकों को दिवाली की शुभकामना देने के साथ साथ उनसे यही अपील करूंगा कि कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, उनको देखते हुए ये त्यौहार बहुत सादगी से मनाया जाना चाहिए। पटाखे को नहीं छोड़ना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क अवश्य लगाने चाहिए, सैनिटाइज से समय समय पर हाथ साफ करने चाहिए, धोने चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएँ। मेरी शुभकामनाएं पहाड़ के लोगों को, प्लेन्स के लोगों को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस कामनाओं के साथ कि माँ लक्ष्मी उनकी सभी शुभकाम आशाएं पूरी करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें और आने वाला एक वर्ष फिर उनके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंगें लाए। पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक को दीपावली की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, पॉल्यूशन फैलाने वाला कोई भी ऐसा काम ना करिए, क्योंकि पहले ही महामारी में प्रदेश भी गुजर रहा, देश भी गुजर रहा। हम इन चीज़ों से परहेज करें और पूरे प्रदेश की जनता को मैं फिर से एक बार दीपावली की शुभकामना देता हूँ। सभी उत्तराखंड वासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।